नेक्सॉन सीएनजी में जो ना 1 किलो सीएनजी डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी चलती है ये। एक्सप्रेसवे पे चलाएंगे 80-90 की स्पीड में। नेक्सॉन सीएनजी का ऐसा टेस्ट करोगे भाई 80-90 की स्पीड में एक्सप्रेसवे पे दौड़ाओ बस, और कहीं पे भी मत लेके जाओ। तब क्या माइलेज देती है वो जाननी है लोगों को, क्योंकि वो होगी इसकी मैक्सिमम माइलेज। आज जो है ना वही टेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि मैं जो है ना इसका फुल टैंक नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ इसमें 1 किलो सीएनजी डलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और फालतू में वेस्ट करने में क्या ही मजा आएगा। मतलब सीएनजी कोई काम है नहीं, और एक्सप्रेसवे का कोई भी काम नहीं होता कि मैं अपना काम भी करके आ जाऊं और माइलेज टेस्ट भी हो जाए, तो वो वाला सीन है। तो फिलहाल जो है ना भाई मैं इसकी 1 किलो सीएनजी फिल कराऊंगा इसमें, और फिर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे 80-90 या फिर 100 मैक्स क्रूज करूंगा, एंड देन मैं देखूंगा कि माइलेज ये क्या देती है। एक्सपेक्टेड जो है भाई जिस हिसाब से इसने सिटी और ओवरऑल परफॉर्म किया था उस हिसाब से आराम से 25 की दे देनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा ही। तो चलिए जी टेस्ट करते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं अभी, सीएनजी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सो ये देख लो, यहाँ पे जो ना सीएनजी खत्म हो चुकी है, ये देखो ठीक है, ये आई नहीं रही क्योंकि सीएनजी इसमें है ही नहीं। ये देखो, ये एक बार लाइट आती है फिर चली जाती है, बट ये लग नहीं रही है प्रॉपर क्योंकि सीएनजी बिल्कुल खत्म है। तो ये देखो भाई, लगवा दिया मशीन और यहाँ से ये 1 किलो इसके अंदर आ चुकी है, एग्जैक्ट 1 किलो के आसपास। ठीक है, तो 1 किलो ही डलवाई, उससे ज्यादा नहीं डलवाई। तो ये देख लो भाई, 1 किलो सीएनजी डलवाई, तो ये जरा सी जो है यहाँ पे आई है, और रेंज वगैरह इसमें सीएनजी में नहीं दिखाता, वो पेट्रोल में दिखाता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं और ले चलते हैं इसको एक्सप्रेसवे पे, और एक्सप्रेसवे पे ही जो है चलाएंगे। थोड़ा डाउट भाई यही था, मतलब मैंने इतने माइलेज टेस्ट किए इस पे, 2 माइलेज टेस्ट किए, बट मेन डाउट पता है क्या निकल के आ रहा था कि भाई 80-90 पे चला के हाईवे पे बता दो क्या सीन है, ताकि उनको जो ना हर तरीके से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सीएनजी यूजर्स जिनको पता है कैसे चलानी है गाड़ी, वो तमीज से गाड़ी चलाने वाले 80-90 और हाईवे पे जो है जब रनिंग होती है तो वो उस चीज को जानना चाहते हैं कि भाई तब क्या माइलेज दी। तो आज आपका भाई वो चीज भी बता देगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई जितने भी वीडियो आए ना सब पे एक लाइक जरूर ठोक के चले जाया करो। बाकी भाई इसके अंदर ना 1 किलो 57 ग्राम सीएनजी आई है, क्योंकि कभी भी सीएनजी वाली मशीन में ना ऐसे फीड करने का बटन नहीं आता कि भाई 1 किलो डाल दो या 2 किलो डाल दो। तो यहाँ पे क्या है कि वो जैसे 1 किलो हुई उसने रोक दी मशीन, तो उस हिसाब से डाली थी। बट हाँ, उस 57 ग्राम से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये कि 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा चल गई तो आप वो लेस कर लेना जो भी माइलेज आए उसमें से। तो लो जी, आ चुके हैं हाईवे पे, और 70-80-90 यही अपनी स्पीड रहेगी। फिलहाल मैं 83 की स्पीड में चल रहा हूँ और यही 80-90 के आसपास चलेंगे। AC अपना ऑन रहेगा कंप्लीट टाइम, एंड उसके बाद यहाँ पे देख लो आप ओडोमीटर 6.6 किलोमीटर 6 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का जो है वो टाइम निकल के आ रहा है। हाईवे से जो ना उतर चुका हूँ, क्यों? क्योंकि भाई 14 किलोमीटर हमने ऑलरेडी गाड़ी चला दी है और 12 मिनट में, तो 14 किलोमीटर चला दी है, तो भैया अब 14 किलोमीटर और वापस लेके चलता हूँ। क्या पता 14 किलोमीटर और ये निकाल दे, और भैया फिर जो माइलेज आएगी ना जबरदस्त, मेरे को पता है फिर लोग टियागो को छोड़ के या फिर एल्ट्रोज और पंच को छोड़ के फिर लोग इसकी तरफ जाएंगे। तो वही चीज ही तो चाहिए ना यार, कि 5-स्टार सेफ्टी तो मिल ही रही है, उसी के साथ भाई ये इतनी बड़ी गाड़ी और फिर स्पेस ही स्पेस। तो चलो जी, अब यहाँ से यूटर्न लेके वापस से हाईवे पर चढ़ा देते हैं गाड़ी को। सीएनजी जो ना खत्म ही होने वाली है, बट अभी फिलहाल कितनी किलोमीटर चली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 26.9 किलोमीटर चल चुकी है, और फिलहाल ये सीएनजी में ही चल रही है, और हाईवे हम उतर चुके हैं, वापस से हाईवे पे चढ़ेंगे एंड देखते हैं भाई कितनी चलती है। 27 हो गए हैं कंप्लीट, तो इस हिसाब से तो यार सही माइलेज दे देगी। मैं जो है ना भाई 25 की माइलेज सोच के चल रहा था कि 25 तक दे देनी चाहिए, बट भाई ये तो 27 से भी ऊपर जा रही है अभी, और स्टिल सीएनजी पे ही चल रही है, तो भाई बहुत सही है यार। मतलब जो लोग एल्ट्रोज वगैरह ले रहे हैं ना, टॉप मॉडल एल्ट्रोज का आ जाता है सीएनजी में 11.5-12 के आसपास, तो वो इस गाड़ी की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़ी गाड़ी है, SUV है, इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, और गड्ढों में से कैसे ही चलाओ, बढ़िया रोड पे कैसे ही चलाओ, 120-130 क्रूज कर सकते हो, तो उस हिसाब से भाई ये गाड़ी ज्यादा बढ़िया है, और ऊपर से इसकी माइलेज भी जबरदस्त है। 28 किलोमीटर हो गए हैं कंप्लीट। हो चुके हैं गाइस, और अभी भी सीएनजी पे ही गाड़ी शिफ्ट है, ये देखो सीएनजी पे ही चल रही है, और अभी मैं हाईवे से भी उतर चुका हूँ, मैं लोकल में आ चुका हूँ। ये अपना पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 द्वारका में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फिलहाल इस गाड़ी को चला रहा हूँ, और अब ये पता नहीं कितने किलोमीटर और चलेगी यार। सीरियसली सीएनजी में जो ना टाटा की गाड़ियों से बढ़िया मैं बोलूंगा मारुति भी नहीं है भाई, सीएनजी में जबरदस्त रिस्पॉन्स है टाटा का फिलहाल अभी तक, जबरदस्त। जहां से मैंने सीएनजी फिल कराई थी ना, जिस पेट्रोल पंप से, मैं हाईवे पे चढ़ के वापस आ गया हूँ इस पेट्रोल पंप के पास में, बट ये सीएनजी जो है भाई खत्म नहीं हो रही।
लो जी गई लाइट सीएनजी की और 34.5 एग्जैक्ट चली है। अब दिखाता हूँ आपको कि लाइट जाने के बाद पेट्रोल में मैंने कितनी चलाई है, क्योंकि मैंने उसका भी जो है मीटर रीसेट कर दिया था पहली। तो ये देख लो जो ट्रिप है ना वो दिखा देता हूँ मैं, पेट्रोल वाली भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 0.000 तो फिलहाल मैं 100 मीटर भी नहीं चला था। वापस से जो है जाता हूँ और यहाँ पे देखो ये 5% इसलिए दिखा रहा है पेट्रोल में, क्योंकि ये जो ना 5, 10, 15 ऐसे दिखाता है, ये 1%, 2% नहीं दिखाता। तो यदि 0.1 किलोमीटर भी मैं चला या फिर 0.1 मीटर भी चला ना, वो भी ये 5% में दिखाएगा। तो भाई जिन लोगों को ये डाउट था कि भाई माइलेज टेस्ट करो हाईवे पे, तो भैया रिजल्ट आपको मिल गए हैं, 34.5 किलोमीटर चली है और काफी बढ़िया चली है। तो आई थिंक माइलेज जो है ना ये हाईवे पे तो जबरदस्त देगी, उसी के साथ सिटी में भी 20 तक की माइलेज दे रही, तो भैया क्या चाहिए, उठा लो नेक्सोन सीएनजी, इससे ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, तो आंख बंद करके ले लो भाई। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी माइलेज तो देखो बढ़िया है, आंख बंद करके लेने वाली चीज है, जबरदस्त माइलेज है। बाकी कमेंट में बताना कि आपको जो है और क्या कंटेंट चाहिए इस गाड़ी के ऊपर, किसी और गाड़ी के ऊपर, वो अपन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।